है। अब मैं थोड़ा सा इसके इसके बारे में भी बता दूं, मैं आपकी तरह ही कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, मैंने भी कॉलेज में स्टार्ट करा था, ठीक है। सब लोग इधर यही सोच के आए होंगे कि एक थोड़ी सी डिसेंट अमाउंट ऑफ इनकम 5 से 6 हज़ार कमा ले तो कोई इसमें, बस यही सोच के सब आते हैं, ठीक है। मैं भी यही सोच के आया था, तो अब जर्नी कुछ और होगी, धीरे धीरे आपको बताऊंगा, बट आप लोग मेरी जर्नी अभी जानने के लिए नहीं आए, आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को समझने आए हो, तो अब उसके बारे में बता देते हैं। वो अपॉर्चुनिटी मैं नहीं समझाऊंगा, लेकिन जो जो पर्सनैलिटी वो अपॉर्चुनिटी समझाने वाले हैं, इज नेम इज मिस्टर राजन शर्मा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा उनके बारे में बता देता हूँ। उनकी एज है 19, वो 18 की थे, उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को समझा था। विद इन 6 मंथ्स उन्होंने अपनी इनकम 6 फिगर क्रॉस करी थी। सबसे बड़ी बात ये नहीं कि उन्होंने अपनी इनकम 6 फिगर क्रॉस करी थी, बड़ी बात ये है कि उनके बहुत वजह से, उनकी वजह से बहुत लोगों की ग्रोथ हुई है, फाइनेंशियली भी, मेंटली भी, हर जगह से, ठीक है। तो बहुत लोगों की सक्सेस का रीजन वो है, और सबसे हम लकी है कि आज वो ही ये मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं, वही आपको समझाने वाले हैं कि कैसे आप अपने थोड़े टाइम में अपनी इनकम क्वालिफाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यही, घर बैठे बैठे कर सकते हो थ्रू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो मैं थोड़ा सा उनके बारे में भी बता दूं कि वो कहाँ से बिलोंग करते थे। ही इज फ्रॉम पंजाब, वो दिल्ली आए थे अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले। वो स्टडी की लाइन में से कॉलेज ज्वाइन करता है, उन्होंने अपनी दिल्ली में कॉलेज ज्वाइन करा था। उनको नहीं पता था कि ये अपॉर्चुनिटी उनका वेट कर रही है, उन्होंने भी इसी रीजन की वजह से करा था कि कॉलेज के खर्चे निकल जाए, ठीक है। तो उन्होंने स्टार्ट करा, बट भगवान कुछ और चाहता था, तो उनकी धीरे धीरे उनकी इनकम क्वालिफाई हुई, उन्होंने 6 फिगर क्रॉस करे। अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं उनको एक बार इन्वाइट कर लूँ। एक बार राजन सर आप मीटिंग हो तो एक बार बता दो। हेलो सक्षम, एम आई ऑडिबल? या ओके ओके। सो गाइस, अगर आप सबको मेरी आवाज आ रही है तो एक और हैंड रेस का ऑप्शन होगा आपके पास में, वो प्लीज कर देना। हैंड रेस का ऑप्शन होगा सबके पास में, सो आई कैन सी दैट कि आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है। ओके डेफिनेटली, काफी लोगों को मेरी आवाज भी आ रही है, मैं क्लियर विजिबल भी हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच सक्षम फॉर इन्वाइटिंग मी। काफी अच्छे तरीके से आपने मुझे इनवाइट किया, एंड मैं देख रहा हूँ कि काफी 188 पार्टिसिपेंट्स आर हियर, जो आज एक अपॉर्चुनिटी को, एक डिजिटल बेस्ड अपॉर्चुनिटी को समझने आए हैं। काफी लोगों ने उनको इनवाइट किया होगा, एंड आज सब काफी लोग अपना टाइम निकाल के, देर आर मोर देन 185 पीपल दोज हु आर हियर, सो आई वेलकम यू ऑल दैट यू आर हियर। आपका मैं जो टाइम है, जो आपने यहाँ पे टाइम दिया, मैं उसको पूरा वर्थ इट करने की अपनी पूरी ट्राई करूंगा, ठीक है। एंड सक्षम ने आपको मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस तो कर ही दिया, दैट माई सेल्फ राजन शर्मा, आई एम जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड एंड आई एम परसुइंग BSc फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये तो बहुत छोटी सी मेरी इंट्रोडक्शन रही, बट अभी जो नेक्स्ट आपके आने वाले थोड़ा टाइम होने वाला है ना, वो 40 मिनट्स आपके लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू एडेड 40 मिनट्स में ट्राई करूंगा डिलीवर करने की, राइट। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन, अगर आपको मेरी स्क्रीन विजिबल हो सो प्लीज एक बार ना इफ यू कैन सी माई स्क्रीन। आपको मैं और मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? ग्रेट, काफी लोगों के रेस्पॉन्स आ रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से दिख भी रही है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू दैट यू आर हियर। एंड जैसे मैंने आपको थोड़ा सा बताया दिया दैट हु आई एम आई एंड माई सेल्फ राजन शर्मा, 19 ईयर्स ओल्ड, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। एंड ऐसे ही आपकी तरह ही एक टाइम पे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे, तो उस टाइम पे एक अपॉर्चुनिटी के बारे में जाना, जो आज मैं आपके सामने शेयर करने के लिए आया हूँ, ठीक है। एंड नाउ आई एम ए CLT मेंबर ऑफ अचीवर्स क्लब, एंड वॉट इज CLT मेंबर, वॉट इज CLT इज कॉल्ड, वॉट इज अचीवर्स क्लब, ये अभी आपको थोड़े टाइम में सारी चीजें पता चलेंगी। बट अभी आपसे मैं सब आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ छोटी सी, दैट प्लीज आप सबने अपने जो आपका जो भी सेलफोन से अगर आप अटेंड कर रहे हो, तो उनकी नोटिफिकेशन एंड उनको ना साइलेंट कर दो। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि अब जो आपके आने वाले 30 to 40 मिनट्स होने वाले ना, आई वॉन्ट दैट कि वो आपके टाइम जो है वो प्रॉपर वर्थ इट हो, एंड उस टाइम में आप प्रॉपर तरीके से सब चीजों को सीखो, प्रॉपर तरीके से चीजों को ऑब्जर्व कर सको। इसलिए आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर होगा कि अगर आप अपने सारे जो फोन को साइलेंट कर दो, एंड जितने भी नोटिफिकेशन उनको ऑफ कर दो। अब आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होने वाली है ना इस सेशन के लिए, दैट विल बी जस्ट 40 मिनट्स। 40 मिनट्स की जो आपकी इन्वेस्टमेंट होनी है, 40 मिनट्स में आपको काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। यू विल गेट टू नो अबाउट द रियलिटी, द बेटर ट्रूथ, एंड आपको बहुत सारी चीजें अपॉर्चुनिटीज के बारे अपॉर्चुनिटी के बारे में पता चलने वाली है, ताकि किस तरीके से आप अपने लाइफ को, अपने आप को आज थोड़ा सा बेटर कर सकते हो।
अब आप यहाँ पे एक चीज डिस्कस करते हैं हम सब, आज यहाँ पर आपके आने का पर्पस क्या है? आज आप यहाँ पे आप इनवाइट किए गए हो, आपका कोई ना कोई पर्पस होगा, राइट? कुछ लोग होंगे जो कुछ जॉब की तलाश में होंगे, पार्ट टाइम जॉब मिल जाए जिसमें हम थोड़ी सी अर्निंग कर लें। कुछ लोग होंगे जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होंगे मेरी तरह, जिस तरीके से मैंने समझा था एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की कुछ अपने आप को स्किल डेवलप करने के लिए कोई चीज मिल जाए तो मैं उसमें अपना टाइम डिवोट कर दूं। एंड कुछ लोग होंगे जो अनएम्प्लॉयड होंगे जिनकी क्वालिफिकेशन पूरी हो चुकी होगी बट सैडली उनको अभी तक उनको जॉब नहीं मिली होगी। एंड कुछ लोग होंगे जो बिग बिजनेस की तलाश में आए होंगे, राइट? सो आपका आने का यहाँ पे कोई भी पर्पस हो सकता है। बट अगर आज हम बात करें ना आज की करंट सिचुएशन की, आज जो करंट सिचुएशन इंडिया में चल रही है रिगार्डिंग द एम्प्लॉयबल रेट एंड उसके रिगार्डिंग जो आज करंट सिचुएशन चल रही है इंडिया में, ये जान के आपको काफी ज्यादा कुछ ना शॉक लगने वाला है। अब आप एक चीज सोच के देखो, इन द जुलाई 2021 में 30 लाख लोगों की जॉब जो है वो खत्म हो गई थी। 30 लाख लोगों की जॉब जुलाई में खत्म हो गई बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से। 93% ऑफ एमबीए ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयमेंट। अब आप सोचो कि एमबीए ग्रेजुएट्स 93% इंडिया में अनएम्प्लॉयबल है एंड only 7% of the engineers are employable in India according to 2016. अब तो आप सबको पता ही है ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस में तो आपको पता ही है सब किस तरीके से पास होते हैं कॉल पे बात करके कि अजी बता दो क्या आंसर है क्या आंसर है। तो सोचो देखो जब ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो उस ऑफलाइन क्लासेस में 7% employable rate था सिर्फ इंजीनियर्स का। बट टुडे अब तो शायद वो और गिरने वाला है एंड आप MBA ग्रेजुएट्स की भी हालत देखने वाले हो एंड काफी ज्यादा लोग है, 3 करोड़ लोग जो थे उनको आउट मिडिल क्लास की लाइन से बाहर निकाल दिया गया, बाहर निकल गए वो ड्यू टू पेंडेमिक। काफी ज्यादा चीजें हुई हैं पेंडेमिक में जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी है। बट अभी एक चीज डिस्कस करते हैं हम सब कि नया बिजनेस जो चीज होती है, नया बिजनेस जो होता है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है। आपको जैसे बताया गया डिजिटल अपॉर्चुनिटी, राइट? डिजिटल अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको बताया गया होगा तो नए बिजनेस के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड होता है उसको डिस्कस करना वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपको एक बिजनेस करने के लिए एक आइडिया चाहिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट यू नीड आइडिया। सेकंड थिंग आपको चाहिए होती है कैपिटल, यू नीड इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट अ बिजनेस, ठीक है? थर्ड चीज आपको चाहिए होती है मैन पावर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप अकेले बिजनेस नहीं खड़ा कर सकते। थर्ड चीज आपको चाहिए होती है एक प्लेस जहां पे आप अपना बिजनेस खड़ा करोगे। जैसे आपने सुना होगा कि अमेजोन में गराज में एक अपना एक हेडक्वार्टर टाइप छोटा सा खोला था एंड फेसबुक ने भी अपने दोस्तों के साथ स्टार्ट किया था मार्क जुकरबर्ग ने, तो आपने इसी से सुनी होगी। एक प्लेस जरूर चाहिए होती है। फोर्थ चीज आपको चाहिए होती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। बिना मैन्युफैक्चरिंग के आप अपना बिजनेस ना मल्टीपल स्केल्स में बढ़ा नहीं सकते। तो काफी ज्यादा चीजें होती है जो नए बिजनेस को स्टार्ट करने में चाहिए होती है। बट अगर ये सब चीजें चाहिए तो लोग बिजनेस क्यों नहीं कर पाते? अगर हम डिस्कस करें कि लोग बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर पाते तो उसका सिंपल सा आंसर है, सबसे पहला तो ये चीज होती है कि लोगों के पास पैसे नहीं होते। ये बात तो बिल्कुल सिंपल सी है कि लोगों के पास पैसे नहीं होते। सेकंड चीज ये होती है कि उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है तो आप बिजनेस कैसे स्टार्ट कर ले। मतलब इंडिया में एक सीरीज होती है जिसमें आप पैदा होते हो, आप 12th तक जाते हो, 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करते हो, ग्रेजुएशन के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, फिर उसके बाद में आप अपने रेज्यूम लेके एक जॉब पे चले जाते हो और वहां पे आप देखते हो कि आपको कोई जॉब मिलती है नहीं मिलती। थर्ड टाइप की जो चीज होती है, देखिए पहली बार बिजनेस है, जो एकदम नए बिजनेस में होते हैं वो सोचते हैं कि पहली बार बिजनेस है। एंड चौथी चीज होती है कि कोई सिखाने वाला आपके पास नहीं होता। जब आपको बिजनेस करना होता आपके पास कोई सिखाने वाला नहीं होता, ठीक है? और पांचवा चीज जो हमारा सेल्फ डाउट होता है, दैट इज कि नहीं हुआ तो क्या होगा। एंड सिक्स्थ थिंग अगेन सेल्फ डाउट कि पैसे डूब गए तो ये काफी रीजन होते हैं जिसकी वजह से ना लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते। बट अगर आज के टाइम पे देखें, आपने एक चीज देखी होगी कि आज के टाइम पे डॉक्टर की जो प्रिस्क्रिप्शन है वो ऑनलाइन होनी स्टार्ट हो गई है। आप शॉपिंग करते हो मिंत्रा आजियो पे, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, ठीक है? आपको खाना मंगाना है आप जोमेटो से ऑर्डर करते हो, आपके घर तक आ जाता है। आपको मूवी देखनी है आप नेटफ्लिक्स को डाउनलोड करके उसमें सब्सक्रिप्शन लेके मूवी देख सकते हो। गेम खेलना है पबजी खेल सकते हो। जो आज से थोड़ा टाइम पहले आपको गेम खेलने के लिए क्रिकेट के लिए बाहर जाना पड़ता था, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए आपको बाजारों में जाना पड़ता था, डॉक्टर के लिए आपको क्लिनिक जाना पड़ता था, आज वो सब कुछ ऑनलाइन हो गया। इवन अगर ये अपॉर्चुनिटी मेरे को आपको सामने समझानी होती तो मैं आपको शायद एक हॉल में समझाता 180-190 लोगों के सामने, बट आज जूम के थ्रू मैं अपने घर बैठे बैठे आपको ये काम समझा पा रहा हूँ। तो ऑनलाइन अगर इतनी सब चीजें हो गई है तो क्या हम पैसे ऑनलाइन कमा सकते हैं? पैसे भी तो ऑनलाइन कमा सकते हैं। अगर सारी चीजें ऑनलाइन शिफ्ट हो सकती है तो पैसा कमाना भी तो ऑनलाइन हो सकता है। ये कैसे? ये एक छोटा सा एक मीम टाइप से चीज डाली है कि मैं नहीं मानता। काफी लोग ये चीज होते हैं कि कैसे पैसे कैसे ऑनलाइन कमा सकते हैं, मैं नहीं मानता। किस तरीके से हम इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब का यूज करके पैसे कमा सकते हैं काफी लोगों को पता नहीं होता। बट उससे पहले मैं चीज शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, दैट हाउ ट्रेडिशनल बिजनेसेस वर्क। एक जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है ना वो किस तरीके से काम करता है, कोई भी चीज हो गई, जैसे मैंने आपको बताया था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फैक्ट्री से निकलती है कोई चीज, फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, नेशनल और रीजनल दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनके पास जाती है, फिर वो जाती है होलसेल में। आपने सुना होगा कि होलसेल के दुकान से पापा सामान लिया वहां से सस्ता मिल गया, ठीक है? तो होलसेल। चौथी चीज होती है एक रिटेल शॉप।
रिटेल शॉप मतलब जहाँ पे आप जाते हो दुकान में, दुकान में भैया को बोलते हो भैया ये दे दो 90 रुपए का, वो आपको दे देते हैं। और पांचवी चीज होते हैं जो हम जाके चीजें लेते हैं, दैट इज बीइंग अ कस्टमर, दैट इज अ कस्टमर। तो सबसे पहले आप चीज सोचो कि फैक्ट्री, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल, रिटेल, कस्टमर, काफी सारे लोग होते हैं, तब जाके आपके पास एक प्रोडक्ट पहुंचता है जिसके लिए आपके लिए काफी टाइम लग जाता है आपका। बट हमारा बिजनेस किस तरीके से वर्क करता है, हाउ आवर बिजनेस वर्क, ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे बिजनेस में कोई भी बीच की ब्लॉकचेन नहीं है, सिर्फ फैक्ट्री टू डायरेक्ट कस्टमर, और उसके बीच में आता है डिस्ट्रीब्यूटर, दैट इज यू। सिंपल सा फंडा है हमारे बिजनेस का, दैट देयर इज अ फैक्ट्री जिससे प्रोडक्ट सीधा कस्टमर तक पहुंचता है, और बीच में आप होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब 95% ऑफ द वर्क इज ऑलरेडी डन बाय द कंपनी, जो 5% वर्क होता है वो हमें करना होता है। अब वो क्या होता है, किस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। और इस कंसेप्ट को बोला गया जाता है, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। अब इसको मैं हिंदी में अगर समझाऊं, देखो डिजिटली, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है, देखो हम सब डिजिटली कनेक्ट कर रहे हैं थ्रू अ जूम, दैट मीन्स हम एक हो गया डिजिटल वर्ड की, हम डिजिटली कनेक्ट कर रहे हैं। सेकंड चीज दैट नेटवर्क, नेटवर्क का मतलब क्या होता है, देखो अगर आप मेरे वर्क में आपका वर्क जुड़ेगा तो उसको क्या हो गया, वर्क और नेट, मतलब मेरे वर्क में आपकी नेट जुड़ी है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क। एंड तीसरी चीज होगी मार्केटिंग, इस चीज के बेनिफिट्स क्या होते हैं, दैट इज दिस इज टोटली वर्क फ्रॉम होम। सेकंड चीज हम बिजनेस सारा ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं। थर्ड चीज हमें सिर्फ एक फोन चाहिए, एक फोन की रिक्वायरमेंट है हमें। सेकंड चीज आपको बस सोशल मीडिया यूज करके आपका बिजनेस करना है। नाउ लेट सी व्हाट एक्सपर्ट्स हैव टू से अबाउट दिस, कि जो मैं तो अच्छी बात कर रहा हूँ लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या कहते हैं इसके बारे में। काफी लोगों ने नाम सुना होगा मिस्टर संदीप महेश्वरी का, संदीप महेश्वरी इज अ ग्रेट इन्फ्लुएंसर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, संदीप महेश्वरी का नाम सुना होगा। इन्होंने जब अपनी कॉलेज ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट करी थी ना, तो इन्होंने सबसे पहले एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की थी जिसमें उन्होंने मेहनत करके अपने आप को डेवलप किया था, ये खुद बोलते हैं सेमिनार में। सेकेंडली विवेक बिंद्रा, आपने इन सबका नाम सुना होगा। विवेक बिंद्रा इज अ ग्रेट बिजनेस कंसल्टेंट, इंडिया में काफी पॉपुलर है, काफी बड़ी बड़ी कंपनीज को हैंडल कर चुके हैं। ये भी सपोर्ट ये खुद कहते हैं कि अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं अपने खुद के बेटे को प्रेफर करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग में, कुछ ना कुछ समय थोड़े टाइम के लिए डालने के लिए। अभी आपने इनका नाम सुना होगा मिस्टर अमिताभ कंत, आईएएस, ये सीईओ है नीति आयोग के, ये सीईओ है नीति आयोग के। इन्होंने ये चीज बताई थी दैट की डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल्स आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमिक ड्राइवर्स ऑफ द ग्रोथ ऑफ द नेशन। अब आप जी सोच के देखो, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल को इन्होंने काफी रिस्पेक्टेबल पोजिशन का है। इनकी एक बात एक स्टेटमेंट होती है, हम काफी चीजें बातें बोलते हैं फिर उसके बाद में भूल जाते हैं, बट इनकी एक बात एक स्टेटमेंट होती है। अब आप चीज सोचिए, देखो इन्होंने कोई चीज बोली होगी, सीईओ ऑफ नीति आयोग, जितनी भी पॉलिसीज इंडिया में बनती है ना उनके सीईओ है, उन्होंने अगर ये चीज बोली है तो कुछ सोच समझ के बोली होगी। एंड व्हाई डू आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग एज अ बिजनेस, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसमें मैं खुद पढ़ाई करता हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में मैं खुद पढ़ाई करता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उस खुद की दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक बीबीए के बुक में एक चैप्टर है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग, आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड अब आप बात करते हैं कि इस जो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें आप एक बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चुन सकते हो, कैसे आप किसी अपने आप को किसी बेस्ट चीज में डाल सकते हो। सबसे पहला आपको ये चीज नोटिस करनी होती है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग के जो ग्रुप होता है ना, उसमें लोग कैसे हैं, जो लोग हैं वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, लोग कैसे हैं, लोगों का बर्ताव कैसे है। सेकेंड चीज आपको ये डिसाइड करनी होती है कि जो वहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, क्या वहाँ पे ट्रेनिंग आपको प्रॉपर तरीके से मिल रही है, काफी कुछ चीज आपको सीखने को मिल रही है, दैट ट्रेनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड चीज जो इम्पोर्टेंट होती है, दैट इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट, कि अगर कोई चीज है तो उसका जो प्रोडक्ट है वो कितना अच्छा है कितना नहीं है, वो प्रोडक्ट जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड चौथी चीज दैट प्रॉफिट एंड पे आउट, वॉट इज द प्रॉफिट एंड द पे आउट ऑफ द कंपनी, की कंपनी आपको प्रॉफिट और पे आउट किस तरीके से देती है, चारों चीजें जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट द कंपनी, जिस प्रोडक्ट में, जिस कंपनी में मैं खुद एक एसोसिएटेड हूँ, दैट कंपनी नेम इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। काफी लोगों ने इनका नाम नहीं सुना होगा, बट काफी लोगों ने इनका नाम सुना भी होगा। मैंने इस कंपनी का नाम 2015 में, व्हेन आई वाज इन 9th क्लास, मैंने तब इस कंपनी का नाम सुना था, जब व्हेन आई वाज इन 9th क्लास। आप एक चीज सोच के देखो, ये जो स्टेटमेंट है, ये एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक में स्टेटमेंट डाली गई है, दैट Forever Living Products International is a leader among the many network marketing companies. So, आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी है थोड़ी सी, दैट की आपको देखनी है कि Forever Living Products का जो नाम है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की बुक्स में पब्लिश हुआ गया है। ठीक है, एंड Forever Living Products का अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बताऊँ, दैट इट इज अ 43 years ओल्ड गोल्ड एंड स्टेबल ब्रांड, एंड इट हैज लिस्टेड 4 times इन Fortune 500। Fortune 500 वो एक लिस्ट होती है जिसमें पूरी दुनिया की जो 500 सबसे बड़ी कंपनीज होती है उनकी लिस्ट बनाई जाती है, उसमें हमारी कंपनी 4 बार लिस्ट हो चुकी हुई है। थर्ड थिंग इज दैट इट इज अ मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी,
इट इज ऑपरेटिंग इन 164 कंट्रीज, 164 कंट्रीज में जो कंपनी है वो ऑपरेट कर रही है. एंड इफ आई विल टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग दैट की इट हैज द 2800 प्लस ऑफिसेज, 2800 से ज्यादा ऑफिसेज इनके वर्ल्ड वाइड है. एंड एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट दिस कंपनी हैज क्रिएटेड 3500 प्लस मिलियनर्स इंडिया, 3500 से ज्यादा मिलियनर्स इंडिया में कंपनी ये प्रोड्यूस कर चुकी हुई. फॉरएवर ही क्यों, एक क्वेश्चन आता दैट व्हाई फॉरएवर, फॉरएवर ही क्यों. अगर आज अब जाके गूगल पे सी सर्च करोगे ना दैट वर्ल्ड्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी, यू विल फाइंड दैट कि फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स का जो नाम है सबसे पहले ऊपर आता है, द वर्ल्ड्स बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी टिल यू विल गेट द फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स नेम. दिस इज समथिंग दैट की जो गूगल बता रहा है वो बहुत सोच समझ के डाटा एनालाइज करके कोई आपको रिपोर्ट शो कर रहा होगा. एंड सेकंड थिंग इज दैट फॉरएवर ही क्यों, व्हाई एफएलपी इज द बेस्ट कंपनी फॉर यू, बिकॉज दिस कंपनी हैज द बेस्ट प्रोडक्ट्स, जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं दैट दे आर द बेस्ट. सेकंड थिंग इज दैट द प्रॉफिट एंड द पे आउट ऑफ द कंपनी इज ऑल्सो द बेस्ट. एंड थर्ड थिंग इज दैट मनी मेकिंग प्लान, जो आपको चीज समझ नहीं होती दैट हाउ द कंपनी वर्क्स, ये मनी मेकिंग प्लान जो क्या होता है, ये क्या होता है, ये मैं भी आने वाले थोड़े टाइम में आपसे दो मिनट में शेयर करने वाला हूँ वट इज दैट. एंड फोर्थ थिंग इज दैट दिस कंपनी हैज एडेड वैल्यूज इन हंड्रेड ऑफ पीपल, हंड्रेड ऑफ पीपल में इस कंपनी ने वैल्यू एड करी गई है. ये वैल्यूज क्या चीज होती है, ये कि आप किसी लाइफ, किसी एक इंसान के लाइफ में क्या चेंज लाते हैं, वो कहाँ था, वो कहाँ से उठ के कहाँ तक पहुंचा, ये वैल्यू ऐड करी है इस कंपनी ने बहुत ज्यादा लोगों में. अब आप बात करते हैं, हम बात करते हैं कि फॉरएवर में करना क्या होगा. हमें सर आपने इंडस्ट्री बता दी, हमें आपने कंपनी बता दी, बट हमें करना क्या होगा ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. कुछ मेरे ना नेटवर्क इश्यूज आ गया था, शायद से वाईफाई में ग्लिच हो गया होगा, दैट्स व्हाई उसकी वजह से थोड़ा सा आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ गई होगी, सॉरी फॉर दैट. बट कोई बात नहीं, अभी जो आपने चीज समझी दैट वाज जस्ट बेसिक, अभी जो आप चीज समझोगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स में द सिंपल थिंग आपको जो चीज करनी होती है दैट आपकी जो ज्वाइनिंग है उस कंपनी में दैट इज अ फ्री, यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल रुपी फॉर द ज्वाइनिंग. आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है एंड योर आईडी विल जनरेटेड इन 160 प्लस कंट्रीज. आपकी एक आईडी जनरेट हो जाएगी जिस आईडी से आप 160 प्लस कंट्रीज में बिजनेस कर सकते हो. यू हैव टू फिलअप अ फॉर्म एंड योर आईडी विल जनरेटेड जिसमें आप 160 प्लस कंट्रीज में काम कर सकते हो. अब मैं आपको चीज बताता हूँ कि बिजनेस होता कैसे. हम जिस चीज में बिजनेस करते हैं ना दैट इज कॉल्ड सीसी. सीसी क्या होता है, जैसे कंपनी 160 प्लस कंट्रीज में चल रही है तो हर कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है, तो उस करेंसी एक्सचेंज में प्रॉब्लम ना, इसलिए कंपनी ने खुद की करेंसी निकाल रखी है, दैट इज कॉल्ड सीसी. 1 cc is equal to 1000 points. 1 cc is equal to 1000 points and 1 cc is equal to 15 to 16000 rupees. 1 cc ki jo points mein value that is 1000 points and 1 cc ki value jo rupees mein that is 15000 and 2 cc ki value that is 30 to 33000. Jab bhi aap business start karte ho you get the product 5% off. Koi bhi product company ka aapko 5% off mein milta hai. Ab aapko karna kya hota hai sabse pehle, the thing is that jo sabse pehle aapko cheez complete karni hai, whenever you join you have to, you joined as a novice customer. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा way to financial freedom. You joined as a novice customer. आपने just join किया है और आपको जो क्या कहते हैं, आपने यहाँ पे पैसा कमाया zero. अब यहाँ पे कुछ नहीं कमाया आप, ठीक है, यहाँ पे आप zero cc पे हो. जैसे ही आपको आगे next बढ़ना, that is called assistant supervisor. यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा जिसमें आपकी 25,000 से 45,000 की इनकम हो सकती है फर्स्ट महीने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे. इस लेवल पे अचीव करने के लिए आपको कंपनी में 2 cc करनी पड़ती है अपनी आईडी पे. दैट मीन्स the turnover of 30 to 33,000 on your own ID. जिस ID पे आप join हुए हो उस ID पे product turnover value, purchase value जो आपको करनी पड़ती है that is 30,000. जैसे आपकी वो चीज़ complete होती है तब आप उसी level पे आते हो assistant supervisor level पे. Assistant supervisor level पे जो आपकी income होती है that is 25 to 45,000 in first month. Then उस बाद में जब आपकी 25 cc होती है the next level, तो आपकी जो income है वो 35 to 45,000 third month तक पहुँच सकती है. उसके बाद में जो नेक्स्ट लेवल आता है दैट इज कॉल्ड असिस्टेंट मैनेजर, वेर यू हैव टू कंप्लीट 75 cc इन 2 months, जिसमें आपकी जो इनकम होती है वो 60 to 70,000 पर मंथ तक जाती है. एंड द लास्ट थिंग इज दैट द मैनेजर, द मेजर, द ड्रीम लेवल ऑफ फॉरएवर, द ड्रीम लेवल इन फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट, जिसमें आपकी जो इनकम है वो 1 lakh प्लस होती है. अब आपका एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये 2 cc कैसे करी जाए, ये 25 cc किस तरीके से करी जाए, ठीक है, इसका सोल्यूशन भी मैं आपको देने वाला हूँ कि ये cc किस तरीके से होती है, किस तरीके से आपको cc करनी होती है, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि मैनेजर जो आपका 6th मंथ तक क्वालिफाई हो सकता है, जिसमें आपकी जो इनकम है 1 lakh प्लस हो जाती है,
ये किस तरीके से होती है ये सब मैं आपको अभी बताता हूँ कि किस तरीके से आपकी 1 लाख प्लस इनकम भी होगी जिसमें आपको सिर्फ 120 सीसी करनी होती है। बट मैनेजर्स जो हैं हमारी टीम में, मैं पहले आपको वो दिखाना चाहता हूँ दैट वो आर द मैनेजर्स इन आवर टीम, जिन मैनेजर्स को मैं जानता हूँ। फर्स्ट वन इज मिस्टर राघव दुआ, ये मेरे ही कॉलेज के थे, ये मेरे ही कॉलेज के मेरे सीनियर थे जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, बहुत मेहनत करी और बहुत मेहनत के बाद ये मैनेजर लेवल पे क्वालिफाई हुए। द सेकंड वन पर्सन इज मिस्टर मीर बैल, जो मेरे एक कॉलेज मेट थे जो मेरे को ऐसे मेट्रो में मिले थे, जिनको मैंने जाना था पहचाना था थोड़ा सा, एंड उन्होंने आज काफी मेहनत करी एंड दे कंप्लीटेड द मैनेजर लेवल। एंड थर्ड पर्सनालिटी इज मिस्टर हर्ष दत्त, ही इज ऑल्सो फ्रॉम माई कॉलेज, ये भी मेरे कॉलेज के सीनियर थे, जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था उस कॉलेज के सीनियर थे, जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया आज से 2 साल पहले एंड प्रॉपर तरीके से मेहनत करके नाउ ही इज ऑन मैनेजर लेवल। द फोर्थ पर्सनालिटी इज मिस मानवी जैन, जिन्होंने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया था लास्ट ईयर एंड शी इज ऑल्सो डूइंग अ वेरी ग्रेट बिजनेस। एंड द फिफ्थ पर्सनैलिटी इज मिस्टर ऋषभ अरोड़ा, ही इज सीनियर मैनेजर इन हर कंपनी, सीनियर मैनेजर है जिसपे इन्होंने काफी तरीके से मेहनत करी, काफी अच्छे तरीके से मेहनत करी, नाउ ही इज अर्निंग अ वेरी स्टेबल इनकम। अब बात करते हैं कि ऐसे कैसे लोग पैसा कमा रहे हैं, लोग ऐसे कैसे पैसा कमा सकते हैं हम यहाँ पे। आपको ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है दैट वी आर एसोसिएटेड विद टू मेजर थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज हेल्थ एंड वेलनेस, हमारी जो कंपनी है वो एसोसिएटेड है हेल्थ और वेलनेस सेक्टर से। एंड सेकेंड थिंग इज दैट आर कंपनी इज एसोसिएटेड विद अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ। दैट ये अज्यूम करा गया है दैट दिस इंडस्ट्री विल गेट ऑफ 7 trillion रुपीज बाय 2023। एंड जो हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर है इसकी जो टोटल मार्केट साइज है दैट इज 1.5 lakh crore। और हम दोनों हमारी जो कंपनी है वो इन दोनों का मिक्सचर है, तो आप चीज सोच कर सकते हो तो दैट की जो फॉरएवर का जो फ्यूचर है दैट इज वेरी प्रॉमिसिंग। एंड दीज आर द बेसिक प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट, जिसमें आपको हेल्थ ड्रिंक्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, वेट मैनेजमेंट, पर्सनल केयर, स्किन केयर एंड काफी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स जो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। एंड एक छोटी सी एक टेस्टिमनी जिसमें दमयंती सोनी ने कहा था दैट की आई एम वेरी ग्रेटफुल टू फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स फॉर दिस एक्सीलेंट हेल्थ गिविंग प्रोडक्ट्स, बिकॉज इनको शुगर लेवल था, इनको डायबिटीज थी एंड इनको फिर इन्होंने फॉरएवर लिंक का एलोवेरा जेल यूज करना स्टार्ट किया एंड धीरे 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 करके इनकी जो शुगर लेवल है वो काफी डाउन हो गई एंड उनकी काफी ज्यादा बेटर हेल्थ होगी बाय यूजिंग द फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स। एंड दिस इज द रीजन बिकॉज ऑल द प्रोडक्ट्स आर सर्टिफाइड क्वालिटी एंड सबके पास सर्टिफिकेट्स है दैट इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, 60 days मनी बैक गारंटी, लीपिंग बनी, एम हलाल, कोशर सर्टिफिकेट, इस्लामिक सील ऑफ अप्रूवल। तो हर कंपनी के पास हर टाइप का सर्टिफिकेट है जिसकी वजह से कंपनी की जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो एवरेज से सुपर्ब होती है। अब एक और चीज क्वेश्चन आता है कि FLP ही क्यों करें। FLP आपको एक चीज और ऑफर करती है दैट इज कॉल्ड अ कार प्लान। कार प्लान में क्या होता है, जब आप कार प्लान करते हो आफ्टर कंप्लीटिंग मैनेजर लेवल, इन लेवल फर्स्ट योर इनकम गेट्स 26,000 पर मंथ, मतलब आपको आपके चेक के अलावा 26,000 पर मंथ कंपनी आपको देती है फॉर नेक्स्ट 36 मंथ्स, अगले 36 महीनों तक 26,000 पर महीना आपको कंपनी देती है लेवल वन करने पे। लेवल टू करने पे 39,000 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 36 मंथ्स आपको कंपनी देती है लेवल टू करने पे। एंड लेवल थ्री करने पे 52,000 पर मंथ फॉर नेक्स्ट 36 मंथ्स। और कार प्लान से क्या हुआ है हमारी टीम में, हमें आपको दिखाना चाहता हूँ दैट देर आर मेनी अचीवर्स। आप देख सकते हो सबसे पहले मिस्टर रवि राजपूत, जिन्होंने 20 लाख रुपए की क्रेटा ली। मिडल में आपको देख सकते हैं मिस्टर कृष्णा अरोड़ा, ही बॉट द वर्ना ऑफ 19 लाख रुपीज। रोहित अरोड़ा, इन्होंने भी क्रेटा ली, ह्यूंडई क्रेटा। एंड मिस्टर मानव अरोड़ा, सन्नी गुप्ता एंड मिस्टर मुकुल खुराना, काफी सारे लोग हैं जिन्होंने कार प्लान को यूज करके, कार प्लान को क्वालिफाई करके हमारे अचीवर्स क्लब में कार्स परचेज करी। एंड ही इज माई इंस्पिरेशन, माई फेवरेट वन मिस्टर मयंक मित्तल, इन्होंने रिसेंटली लास्ट मंथ परचेज करी ह्यूंडई वर्ना वर्थ ऑफ 13 लाख रुपीज। एंड आप देख सकते हो कि एक जो पेरेंट्स की जो ऊपर जो पेरेंट्स के फेस पे जो स्माइल होती है वो कितनी प्राउड वाली होती है। एंड इस बिजनेस के लिए इनको कुछ करना भी नहीं पड़ा, बस इन्होंने बस बिजनेस को स्टार्ट करके मेहनत करी चीज़ों को फॉलो करा और 2 साल के अंदर ये चीज़ अचीव कर ली। बस कंसिस्टेंटली मेहनत करते गए तो आज आपके सामने ये चीज़ आपको दिख पा रहे हैं और ये चीज़ मैं शेयर कर पा रहा हूँ प्राउडली। एंड कंपनी आपको साथ साथ ना 2 चीज़ और ऑफर करती है। सबसे पहला आता है ग्लोबल ट्रैवल। 2 कंपनी साल में 2 बार आपको ग्लोबल ट्रैवल प्रोवाइड करती है, जिसमें आप कंपनी आपको आउट ऑफ इंडिया 2 बार लेके जाती है और एक में आपको मिलता है मैनेजर रिट्रीट, जिसमें आपको एक डोमेस्टिक ट्रैवल मिलता है। ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बस आपको 5-star होटल में एक प्रॉपर तरीके से लग्जरियस लाइफस्टाइल का स्टे मिलने वाला है, अगर आप अच्छे तरीके से काम करके चीजों को क्वालिफाई करते हो। एंड कंपनी साथ साथ में जो कंपनी का सबसे बड़ी चीज होती है दैट इज कॉल्ड चेयरमैन बोनस। चेयरमैन बोनस भी कंपनी आपको ऑफर करती है, जिसमें
3% ऑफ द कंपनी टर्नओवर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी ईयर इन थ्री लेवल्स. कंपनी का पूरा टर्नओवर का 3% उन तीन लेवल्स में बटता है जो लोग इन चीज को क्वालिफाई करते हैं. एंड आपको मैं रियलिटी दिखाऊं ना, तो 2021 में जो ये साल खत्म होने जा रहा है इसमें हमने हिस्ट्री क्रिएट करी है पूरे अचीवर्स क्लब ने. 9 लोगों ने लेवल 1 अचीव किया है. ये आपकी इनकम के अलावा आपका चेक होता है जिसमें आपको दिख सकता है मिस्टर मुदित बैल, अमित बिस्ट, ऋतिक अरोरा, प्रिंस मयंक मित्तल जिनके मैंने अभी आपको वरना दिखाई, मिस्टर मयंक मित्तल, मिस्टर पुलकित जैन एंड नवीन वर्मा. ही वॉज अ जोमैटो डिलीवरी बॉय. जोमैटो डिलीवरी बॉय ने सी भी अचीव किया, चेयरमैन बोनस अचीव किया. रवि राजपूत एंड आशीष सोनाल, काफी सारे लोग हैं जिन्होंने लेवल 1 अचीव किया हमारे साथ. एंड देर आर मेजर पीपल, 4 लोग हैं जिन्होंने लेवल 2 अचीव किया, मिस्टर कृष्ण अरोरा, मिस्टर जतिन अरोरा सर एंड मिस्टर रोहित अरोरा, मिस्टर तरंग अरोरा. काफी सारे लोग हैं जिन्होंने लेवल 2 अचीव किया. आप ये देख सकते हो कि दिस इज कॉल्ड द फैमिली. ये एक पूरी फैमिली पिक्चर है जिसमें काफी लोगों ने चीजों को अचीव करी और आज हम इन्हीं चीजों को फॉलो करते आ रहे हैं किस तरीके से, ताकि हम भी एक टाइम पे यहाँ पे खड़े. देयर फ्यूचर इज आर प्रेजेंट. ये चीज होती है सबसे पहले कि इंसान को समझनी होती है दैट देयर फ्यूचर इज आर प्रेजेंट. अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ दैट एवरीथिंग स्टार्टेड विद अ ड्रीम. हर चीज ना एक ड्रीम के साथ स्टार्ट होती है एंड आई एम श्योर दैट ये आपके भी कुछ ड्रीम्स होते होंगे, राइट? इफ एवरीथिंग स्टार्टेड विद अ ड्रीम, आपके कुछ ड्रीम्स हो सकते हैं. हो सकता है ट्रैवल द वर्ल्ड, ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, फाइनेंशियल फ्रीडम. इनमें से कोई भी आपका हो सकता है जिसकी वजह से आप चाहते हो कि मैं काम करूँ, जिस चाहते हो कि मैं चीजों को अचीव करूँ, ठीक है? सो आपको मैं एक चीज बताता हूँ जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आज से 1.5 साल पहले सीखी थी, दैट आपके पास 2 ऑप्शन है. सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि आप अपने ड्रीम को छोटा कर दो और जितनी आपकी कमाई होगी उसके बराबर आप जी लो. सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है कि जो आपकी इनकम है ना उसको अपने ड्रीम के बराबर कर दो ताकि आप अपना ड्रीम पूरा कर सको. और हम जिस चीज पे फोकस करते हैं, जो हमारा मोटो है, दैट इज डोंट कॉम्प्रोमाइज. इंस्टेड ऑफ लोअरिंग योर ड्रीम ड्यू टू इनकम, इंक्रीज योर इनकम टू फुलफिल योर ड्रीम. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. और गाइस अब आपने क्या करना है, मैं आपको चीज बताता हूँ. ये चीज जानना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है. अब करना क्या है आपको, ठीक है? अब आपको इंडस्ट्री के बारे में पता चला है, कंपनी के बारे में पता चला है, थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान के बारे में पता चला है, थोड़ी सी अचीवमेंट के बारे में पता चला है, ठीक है? अब आप में से कुछ लोग होंगे जो जिनको हम फिल्टर करने वाले हैं, बिकॉज दिस अपॉर्चुनिटी इज वेरी लिमिटेड. बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी और बहुत कम लोगों को हम शेयर कर सकते हैं, राइट? ओनली 45 स्लॉट्स अवेलेबल. सिर्फ 45 स्लॉट्स अवेलेबल हैं, सिर्फ उन्हीं को हम ये बिजनेस आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं. बाकी लोगों के लिए सॉरी रहेगा हमारी तरफ से. सो आपने करना क्या है ना, अभी जिस पर्सन के साथ भी आपने कनेक्ट हुआ है, अगर आप उन 45 में आना, ये 45 जो स्लॉट्स है ना, दिस इज जस्ट फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व, सिंपल सा. आपने क्या करना है, फटाफट से जिन पर्सन के साथ आपने कनेक्ट करा उनके साथ आप वीडियो कॉल करो, ठीक है? उनके साथ जानो कि आप मुझे बूट कैंप्स के बारे में जानना है. बूट कैंप्स होगा जिसमें हम आपको काम के बारे में समझाते हैं दैट व्हाट नेक्स्ट यू हैव टू डू, कि अगर आपको वहां तक पहुंचना है तो आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, तो हम बूट कैंप के बारे में आपको समझाते हैं, राइट? तो आपने क्या करना है, फटाफट से जिनसे भी आपने कनेक्ट हुआ है उनसे फटाफट से बूट कैंप का लिंक मांगना है. उनको लिखना है मैसेज में दैट आई एम इंटरेस्टेड, कंफर्म माय सीट इन बूट कैंप, जो आज रात को 8 बजे होने वाला है बूट कैंप. दैट विल बी अ लाइव बूट कैंप. और अगर आपको उसका पार्ट बनना है तो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज पे फटाफट से लिंक लेना पड़ेगा. सेकेंडली, जब आप बूट कैंप अटेंड कर लोगे ना, बूट कैंप का जो सीक्रेट कोड है दैट इज कॉल्ड आई एम इंटरेस्टेड. जैसे अगर आप लिखोगे आई एम इंटरेस्टेड, देन आपको बूट कैंप में 45 स्लॉट्स में अगर आपका नाम आता तो यू विल गेट द लिंक, राइट? एंड थर्ड थिंग इज दैट आपको एक अचीवर्स क्लब का एक टेलीग्राम ग्रुप कम्युनिटी का मौका मिलेगा उस ग्रुप का पार्ट बनने के लिए. एंड आपको जिस पर्सन से भी आपने कनेक्ट किया है, उन पर्सन से आपने उनके बारे में फटाफट से लिंक मांगना दैट कि वेयर फ्रॉम वेयर आई विल गेट द लिंक टू बी अ पार्ट ऑफ योर ग्रुप, ठीक है? तो ये चीज आपने सबसे पहले करनी है. जिस पर्सन से भी आपने कनेक्ट हुआ है उनसे बात करनी है, उनको बोलना है आई एम इंटरेस्टेड, मुझे बूट कैंप का लिंक दो, 45 स्लॉट्स आर अवेलेबल ओनली, एंड ज्वाइन टू बी अ व्हाट्सएप ग्रुप, ज्वाइन एंड पार्ट टू बी अ पार्ट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम कम्युनिटी, इसका लिंक भी उनसे मांग लेना. एंड साथ ही साथ में इसी तरीके से सेशन को मैं एंड करूंगा. आपको सेशन में ज्यादा कुछ नहीं, बट बेसिकली काफी कुछ पता चला आपको, जिस तरीके से कंपनी किस तरीके से काम करती है, लाइफ में क्या चल रहा है, एंड साथ साथ में हमारा ग्रुप क्या, हमने क्या क्या चीज अचीवमेंट करी है, राइट? तो ये मेरा व्हाट्सएप का इंस्टाग्राम का यूजर नेम है. आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हो. यहाँ पे मैंने काफी कुछ कंटेंट रेगुलर बेसिस पे डाला हुआ है, तो इससे आपको पता चलेगा दैट की फ्रॉम एक पठान को, एक पंजाब के एक छोटे से गांव से उठ के आके यहाँ पे 6 फिगर अर्नर बनने में कितनी मेहनत लगी है, किस तरीके से हमने उस चीज़ को अचीव करी. तो दिस इज माय व्हाट्सएप इंस्टाग्राम यूजर नेम, आप इसको जरूर चेक कर सकते हो. एंड आई होप आपने जो चीज़ें देखी है फॉर नेक्स्ट 25 टू 30 मिनट्स में, जो चीज़ आपने देखी है उसमें आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी होगी. बस फटाफट से जाओ जिस बंदे से भी आपने कनेक्ट किया उसे आई एम इंटरेस्टेड लिखो, बूट कैंप के लिए स्लॉट्स फिल करो. और मुझे अभी मैसेज आया दैट कि 23 ऑलरेडी स्लॉट्स फिल हो चुके हैं, 23 स्लॉट्स ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, सिर्फ 22 रह रहे हैं. तो आप लोगों का काम यही है कि आप फटाफट से जाओ, 138 लोग हैं,
एंड फटाफट से जाके उनको मैसेज करो दैट आई एम इंटरेस्टेड, वरना अगर स्लॉट्स नहीं देंगे तो शायद फिर आप बूट कैंप अटेंड नहीं कर पाओगे. एंड मुझे पता है कि 137 लोग हैं ऑलरेडी, 22 स्लॉट्स रह गए हैं, तो जितने जल्दी आप जाके उनको मैसेज करोगे दैट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड आई वांट टू लर्न दैट कि आगे बिजनेस मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, तभी जाके आपको प्रॉपर तरीके से आगे जानने का मौका मिलेगा, राइट? सो ये चीज को फटाफट से करो. इंस्टाग्राम का अकाउंट आपने देखा है, उसको जाके फॉलो कर सकते हो, काम आपका यहाँ से सीखना स्टार्ट अभी हो जाएगा. ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन. इट वॉज नाइस मीटिंग यू ऑल. थैंक यू सो मच.